अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो मैंने बोर्ड पे सवाल किया था उसमें फाइफो फाइफो का आंसर सेम आ रहा है। सेम किससे? सेम पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों में सेम आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा, नॉर्मली आएगा। अगला जो सवाल रिटर्न्स डाल के कराऊंगा उसमें आप देखेंगे चेंज भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये सेम आएगा। क्यों? मैंने कहा कि फाइफो में चाहे आप पीरियोडिक की फिगर देखिए चाहे परपेचुअल की फिगर देखिए, फाइफो में सेम आ रही है। फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक में भी वही है, परपेचुअल में भी वही है ना? तो क्यों सेम है? क्योंकि फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक है ही नए में से, और चाहे सबको इकट्ठे कंपेयर कर लें, इसकी मिसाल है तो थोड़ी थोड़ी अजीब सी। अगर आप अपनी फैमिली में कजन चचा ताया मामा सब मिला के उनमें देखें कि सबसे यंगेस्ट कौन है, तो शायद वो कोई एक बच्चा होगा जो 2 महीने पहले लेट से पैदा हुआ है। अब आप खानदान के सारे मेंबर्स को इकट्ठे कंपेयर कर लें, तब सबसे छोटा कौन है? वही 2 महीने वाला। और अगर आप 10-10 की जोड़ियां कंपेयर करना शुरू करें, फिर उनमें से जो यंगेस्ट होगा अगले लेवल पे आए, फिर उनमें से जो यंगेस्ट अगले लेवल पे आए, फिर सेमीफाइनल पे फाइनल, आखिरकार फाइनल कौन जीतेगा? वही, क्योंकि सबसे आखिरी पीस वही है। तो जो फाइफो है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है जो सबसे आखिर में खरीदे गए थे, तो जो सबसे आखिर में खरीदे गए थे वो सबसे आखिर में वही खरीदे गए थे। तो चाहे पीरियोडिक से कर रहे हैं चाहे परपेचुअल से कर रहे हैं, आंसर सेम आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। अभी आज जो सवाल कराऊंगा उसमें चेंज भी हो सकता है। वेटेड एवरेज में क्यों सेम नहीं आ रहा? अच्छा, ये जो भी बात बता रहा हूं ना ये एवं है, एक्स्ट्रा ना समझ आए ऊपर से जाए जाने देना। वेटेड एवरेज में क्यों फर्क आ रहा है? तो सबको इकट्ठे करके पीरियोडिक एवरेज निकाल लें या हर ट्रांजेक्शन के बाद एवरेज निकालें? कर तो एवरेज ही रहे हैं, कर तो सारी ट्रांजेक्शन ही का एवरेज रहे हैं। राउंडिंग ऑफ का फर्क है। वेटेड एवरेज पीरियोडिक में एवरेज रेट कितना था? वेटेड एवरेज पीरियोडिक में 80 पॉइंट, और परपेचुअल में आखिरी वाला 89.29। अच्छा, जो बात अभी बता रहा हूँ ना ये कोई इतनी खास जरूरी बात नहीं है, एमी बस बता रहा हूँ। इनमें वेटेड एवरेज के क्लोजिंग स्टॉक पे रेट पीरियोडिक में ये लग रहा था, परपेचुअल में ये लग रहा है, तो इनमें क्यों सेम आंसर नहीं आया? इसकी रीज़न ये है कि जब हम सारे रेट्स को इकट्ठे ही कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पुराना वाला रेट कितना था? 80 रुपये 20 रुपये, सबसे नया वाला 94। तो जब हम इन सबको मिला के एक ही बार एवरेज कर रहे हैं तो एवरेज कहीं इनके दरमियान में आ गया। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 80 और 82 को एवरेज किया, वो एवरेज कहीं 82 के करीब चला गया, फिर हमने उसको और अगले को एवरेज किया, वो एवरेज और ऊपर चला गया, फिर उसको लेके अगले से एवरेज किया, वो एवरेज और ऊपर चला गया, फिर उसको लेके अगले से एवरेज किया, फिर और ऊपर चला गया। पता नहीं क्या बात कर रहा हूं मैं। जब आप 80 और 94 और 80 और 88 और 84 सबको सामने रख के इकट्ठे एवरेज कर रहे हैं तो उसमें 80 का भी इंपैक्ट आ रहा है, उसमें 94 का भी आ रहा है, तो एवरेज कहीं इनके दरमियान में आ रही है लेट से। लेकिन जब आप दो दो रेट्स के बाद एवरेज कर रहे हैं तो एवरेज भी ऊपर जाती जा रही है, और एवरेज ऊपर जाते 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 जो इनका एवरेज आना था उससे थोड़ी ऊपर ही चली गई होगी, तो ये उससे देखिए ऊपर ही गई थी, ऊपर से गया। तो वेटेड एवरेज के दोनों मेथड में फर्क होता है, फाइफो में नॉर्मली फर्क नहीं होता। अच्छा, अब ये तो बेकार बात थी, काम की बात। फाइफो और वेटेड एवरेज में फर्क क्यों है? इन दोनों का आंसर सेम क्यों नहीं? क्योंकि मेथड्स फर्क हैं। क्लोजिंग स्टॉक इस सवाल में फाइफो वाला ज्यादा है या वेटेड एवरेज वाला? अच्छा, अब आप जब कंपैरिजन करें तो फाइफो पीरियोडिक को वेटेड एवरेज पीरियोडिक से ही करें, या फाइफो परपेचुअल को करना है तो वेटेड एवरेज परपेचुअल से कर लें। क्लोजिंग स्टॉक किसका ज्यादा आ रहा है? क्योंकि इस सवाल में मैंने रेट्स बढ़ाए ही थे, बढ़ते ही जा रहे थे। फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक किन में से था? वो था ही आखिरी वाला, सबसे महंगा वाला, जबकि एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक एवरेज हो गया हुआ। तो फाइफो में चूंकि रेट उठाया ही आखिरी वाला है और वो था ही सबसे महंगा वाला, इसलिए फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है।
ज्यादा मतलब यूनिट ज्यादा की बात कर रहा हूं, नहीं टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूं, यूनिट तो वही 210 या 220 जितने भी थे। फाइफो में चूंकि रेट आखिरी परचेज वाला लग रहा है, और इस सवाल में क्या खास बात थी कि रेट्स इंक्रीज ही होते जा रहे थे, तो जो आखिरी वाला था वो सबसे महंगा था, तो फाइफो में क्या हुआ, सबसे महंगे वाला रेट लेके क्लोजिंग स्टॉक पे लगाया, जबकि एफको में एवरेज, इसलिए फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक एवरेज से ज्यादा आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइफो और एफको कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ सेल में ये मकाम उलट हो जाएगा, इसलिए उलट हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर एक बड़ी फिगर माइनस होगी तो आंसर कम ही आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चूंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आंसर निकलता है, तो फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक चूंकि ज्यादा है तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल कम आनी है। अब ये जो रिलेशन है ये तब प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ये कुछ कंक्लूजन बता रहा हूं, ये आप याद कर लें, ये दो तीन नंबर के पूछे भी जा चुके हुए हैं एक दफा, इस सवाल से जो कुछ कंक्लूजन निकले हैं ना वो बता रहा हूं। एक बताया मैंने कि अगर प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं तो फिर उस सूरत में फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से ज्यादा ही आया करेगा, और फाइफो के तहत कॉस्ट ऑफ सेल्स, या अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी डाल लें तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम, फाइफो वाला वेटेड एवरेज से कम आया करेगा। दोबारा, अगर प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं तो उन हालात में फाइफो मेथड वाला क्लोजिंग स्टॉक एफको वाले क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा रुपए आंसर आएगा, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल फाइफो वाला कम आएगा, एफको वाला ज्यादा आ रहा होगा। ये नोटेड, चलें अगली बात लिखें, वो इसका कंक्लूजन नहीं है, वैसे ही बात है। अगर रेट्स बहुत फ्लक्चुएट करते हो, कभी महंगे हो रहे हैं कभी सस्ते हो रहे हैं, जैसे ये पेट्रोल के रेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो फाइफो वेटेड एवरेज कौन सा बेहतर है जो ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना चाहिए? एवरेज, एवरेज बिल्कुल, कि अगर प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रही हो तो फिर एवरेज मेथड ज़्यादा बेहतर होता है फाइफो से, ज़्यादा अफजल मेथड है। लिख लें ये बात कि अगर प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हों तो फिर उन बिजनेसेस को फाइफो से बेहतर है कि एफ को यूज करें। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो एफ को मेथड फाइफो से एक बेहतर मेथड है। चलिए ये काफी है। वो जो कल टेबलर वर्किंग बनाई थी ना उसको इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं, इन्वेंट्री लेजर कार्ड, स्टॉक लेजर कार्ड, ये भी नाम है उसका। अच्छा, चूंकि जीरो से कराना था, ये आपने इंट्रो नहीं पढ़ी भी काफी सारे लोगों ने, इसलिए मैंने कल वाला सवाल कराया था, बिल्कुल जीरो से कराना था, वरना मैं डायरेक्टली वो सवाल कराता जो आप कराने लगा। अब मैं इसमें रिटर्न्स डाल रहा हूं, लेकिन बस इसके बाद बस, इस पे मजीद टाइम नहीं मैं इन्वेंट्री कार्ड पे लगा सकता, इसमें हमने और भी आगे बढ़ना है, तो एक सवाल और कराता हूँ, इसमें मैं रिटर्न्स डाल रहा हूँ। वो जो आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स लिए थे उनमें से क्वेश्चन 2 पढ़ने में बोर्ड पे करता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स में से क्वेश्चन 2 पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे।
रॉ मटेरियल वाला परपेचुअल करने को कहा था? किया होगा किसी ने? आंसर ही बता दें अगर उम्मत का उस पर माँ हो गया तो सही होगा। रॉ मटेरियल जो उस होमवर्क वाला सवाल था फाइफो में, उसके क्लोजिंग का क्या आंसर है? 90 200। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का? 2 3 5 2 0। और एफको में परपेचुअल क्लोजिंग 9 1 3 4। रेट मुझे बता दें, रेट क्या था? एवरेज रेट 0.0। और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम 2 3 5 8 6। जिन्होंने किया है यही आसपास? ठीक है, शाबाश, सही है, सबका ही सही होगा। चलें क्वेश्चन टू करता हूं। क्वेश्चन टू ट्रेडिंग बिजनेस है और अप्रैल की ट्रांजेक्शन्स हैं और अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हैं जी, खड़े होकर करने, कोई मसला नहीं, मैं करूंगा, बोर्ड पे करूंगा, मैंने करना है, मैं करने लगा। असल इसमें रिटर्न्स है ना, तो रिटर्न्स की वजह से एक और करा रहा हूं सवाल। अप्रैल की ट्रांजेक्शन्स हैं सारी और अप्रैल को मैं कर रहा हूं बोर्ड पे सॉल्व। मुझे लग रही है गर्मी है आप। ये तो है ही नहीं, कैमरा इधर करके ना, वो उसको बुलाइएगा ऑफिस बॉय को किसी। ये है ना ये वाला पोर्शन, ठीक। फाइफो पीरियोडिक कर रहा हूं, ये जो नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन टू है इसका मैं फाइफो पीरियोडिक कर रहा हूं। जी कितना स्टॉक बचा रह गया? ओपनिंग में परचेजेस ऐड कर लें, सेल लेस कर लें, परचेज रिटर्न्स माइनस कर लें, सेल रिटर्न्स ऐड कर लें, ड्राइंग्स माइनस कर लें, आग ले गई चीज़ों को माइनस कर लें, क्या क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे? टू फोर्टी, तो 240 किन में से होंगे? वो उसको 26 से कम कर देना, 26 पे तो करीब कुछ नहीं गा। जी 240। अब ये 240 किन में से होगा? अच्छा मुझे परचेजेस बताइएगा, मैं यहाँ तो जबानी कैसे बताऊं, परचेजेस बताइए ऊपर से सारी। 500 है 25 वाले और 100 है 28 वाले। कब ये कब के हैं? 9 के। ये 2 के हैं, ये 9 के हैं, अगले 27 के हैं, कितने? 150 और बस। रिटर्न कौन से हुए हैं? परचेज रिटर्न भी हैं एक इनमें से, है ना, इनमें से रिटर्न हुए हैं 20 और बाकी फिर कोई रिटर्न हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, परचेज की बात करो, नहीं। तो हमें पूरे करने हैं कितने? 240। वो किन में से होंगे? वो ये होंगे और 90 इसमें से होंगे। अगर ये 20 इसमें से रिटर्न हुए होते तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 240।
क्लोजिंग स्टॉक में 240 बचे हुए हैं। अब मैंने कहा कि ये 20 जो सवाल में रिटर्न बताए हैं, अगर वो इनमें से रिटर्न हुए होते तो फिर ये 240 क्या करते, फिर ये 150 नहीं होते, 130 होते, क्योंकि आए थे 20 चले गए, तो फिर ये 130 ही रह गए। तो 130 इसमें से ये वाले होते, 110, 100 ये होते, 10 उसमें से। तो अगर कहीं पर परचेज रिटर्न हुई है ना, तो जिसमें से वो रिटर्न है उसमें से नेट करके फिर स्टॉक का हिसाब करना है, ठीक है, बात समझे। अगर ये 20 इनमें से रिटर्न हुए होते तो हम ये 240 यूनिट्स यहां से 130 पूरे करते, क्योंकि 20 तो गए, बाकी 100 इधर और 10 फिर इधर से करते। लेकिन अभी इस सवाल में 20 चूंकि उसमें से रिटर्न थे तो इसी में से 240 पूरे हो गए। तो फाइफो पीरियोडिक क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका कि जो आखिरी परचेजेस हैं नेट नेट ऑफ रिटर्न्स, उधर से उल्टा चलना शुरू कर दें। तो 150 ये वाले होंगे और 90, 28 वाले होंगे, 2520, 4500 और ये बन गया 70। ये फाइफो पीरियडिक हो गया। तो फाइफो पीरियडिक में क्लोजिंग स्टॉक गिनने के लिए हमें आखिरी नेट परचेजेस से उल्टा चलना है, नेट परचेजेस, और नेट परचेजेस से मुराद है नेट ऑफ रिटर्न्स। फाइव पीरियडिक नोटेड, वेटेड एवरेज पीरियडिक करता हूं, एफ को पीरियडिक। एवरेज रेट का तरीका, ओपनिंग में सारी परचेजेस मिला दें, ओपनिंग के यूनिट्स कितने, 200, वो परचेज 480, 100 और 150, ये 200 कितने वाले थे, 22 वाले, कितने हो गए 4400, ये 25 वाले, रन हो गई ना, क्योंकि जब चीजें खरीद के वापस चली गई तो बस फिर वो है ही नहीं, चली गई, फिर चीजें हैं ही 480, 12,000, 2800, 4500। ये 500 की जगह 480 वाली बात आई समझ, क्योंकि हम एवरेज करते हुए परचेजेस को नेट ऑफ रिटर्न्स कर लेंगे, जब चीजें खरीदी और वापस कर दी तो बस फिर वो नहीं खरीदी। ये बन गया 23700 और ये 930, तो एवरेज रेट हो गया 23700 डिवाइडेड बाय 930 जी 25.48। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गई 240 यूनिट इंटू 25.48, 6115 1, बस ठीक है, रेट डेसिमल में रखें, आगे अमाउंट नहीं, अमाउंट पूरी बस।
क्या जी ये आंसर ठीक नहीं है? अच्छा इसमें ना कुछ बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि वो परचेजेस जब यहाँ लिख रहे हैं तो उनमें से ड्राइंग्स लेस कर लेते हैं, कहते हैं जी कि ड्राइंग्स लेस करके बाकी परचेजेस, या जो गुड्स लॉस्ट हो रही हैं वो लेस करके बाकी परचेजेस। नहीं, हम एवरेज कर रहे हैं कि जो चीज़ हम तक पहुँची थी उनके रेट्स क्या थे। तो पहुँची वही चीज़ें थी जो परचेजेस हैं, ड्राइंग्स तो आउट हुई हैं, ड्राइंग्स तो आउट हुई हैं, हम ले रहे हैं कि जो भी हम तक पहुँचा उसका रेट क्या था। अच्छा फिर रिटर्न्स क्यों नेट कर रहे हैं? क्योंकि खरीदी वापस कर दी, मतलब आई ही नहीं, तो इसलिए हम परचेजेस को लेंगे सिर्फ रिटर्न्स नेट करके, ड्राइंग्स वगैरह नहीं नेट करनी इसमें से। फाइफो पीरियोडिक, एफको पीरियोडिक, फाइफो परपेचुअल करता हूं। यार ये बोर्ड की सैर करा दो पूरे एक दफा। ये क्या लिखा था? 20 क्या जी? हाँ हाँ, नहीं सेल क्यों अज्यूम करेंगे? सड़ गई चीज़ें, बेची कैसे? सड़ गई ना, जल गई, सेल क्यों अज्यूम करें? एंट्रीज नहीं बताई मैंने अभी, एंट्रीज बतानी है अभी, एंट्रीज पढ़ानी है चैप्टर में। अच्छा मैंने इस सवाल में वैसे रिक्वायरमेंट रखी नहीं, लेकिन अगर होती कॉस्ट ऑफ सेल्स तो अब ना फिर वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ें जली भी हैं, ओनर भी ले गया है, तो इसलिए वो जो दूसरा तरीका बताया था वैसे कर लेंगे कि ऊपर से चलना शुरू कर दें जो चीज़ें बिक गई। दोबारा सुने, अगर इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स होती अगर इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल भी पूछी होती तो अब सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग से नहीं काम चलेगा, कुछ और भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको चूंकि अकाउंटिंग नहीं बताई इसलिए उस फार्मूले की भी बात नहीं करता। तो जो पहले वाला तरीका था वो चला लेते हैं। कितने यूनिट्स बिके, कितने यूनिट्स बिके और जो वापस आए वो नेट कर लेना, वो तो वापस आ गए। 7 640, सेल पूछ रहा हूँ, सेल 640 ना, तो वो ऊपर से गिनना शुरू कर दें। 200 बिक गए होंगे, 480 भी बिक गए होंगे, नहीं 440, भाई सेल बनी है 640 ना, तो इस 640 में से पहले वो 200 बिके होंगे और फिर ये 440 बिके होंगे। 640 200 निकाल के यही बच गया ना, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। पूछी नहीं थी भारत मैंने जी, बस सबसे पहले वाली सेल है, उसके बाद ड्राइंग्स आग, उसके बाद ऊपर से सेल निकाल लें, उसके बाद जो बाकी चीजें वो उनके बाद। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने नहीं रखी थी, बस मैंने क्लोजिंग स्टॉक पूछा था उसी की करते हैं प्रैक्टिस। फाइफो परपेचुअल करने लगा, फाइफो परपेचुअल
जी नहीं, वो 640 मैंने रिटर्न करके 640 गए थे शायद, नहीं जो 640 यूनिट्स मैंने सेल कहे हैं वो गिने ना, कैसे गिने, कैसे बने 640? आप बेटा जहां जहां सेल लिखा है ना वो ऐड करो और वो जो आखिर में रिटर्न है वो लेस कर दो, तो ही 640 बनाया था मैंने। फाइफो परपेचुअल करने लगा हूं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 222 वाला डबल जीरो, फिर कब सेकेंड को की परचेज कितने यूनिट्स, 500, कितने वाले 25 1 2 5 0। और अब स्टोर में पोजीशन ये है कि पहले वो बुजुर्ग बैठेंगे 222 वाले, उसके बाद फिर ये 500 आएंगे, वो तो बाद की बात, परपेचुअल है ना, हम हर दिन का रिकॉर्ड रख रहे हैं, साथ साथ करें ना, अभी हमें क्या पता कि रिटर्न हुई है। पीरियोडिक में तो हम पूरा महीना गुजरने के बाद कैलकुलेशंस कर रहे थे तो उसमें नजर आ गई थी रिटर्न्स हैं, पर पैचल में तो 2 तारीख को नहीं पता कि रिटर्न होने लगी आगे। फिर 5 तारीख को हो गई सेल, कितने यूनिट्स 480, तो फाइफो है, पहले वो पुराने 200 वाले, पहले 200 वाले, पहले 222 वाले, फिर 280 25 वाले, 44 7000। तो स्टोर में ये 22 वाले चले गए, 25 वालों में से बाकी 220 रह गए। हाँ जी आगे, 9 तारीख को हो गई परचेज, 100 यूनिट खरीद लिए, कितने वाले 2800। और अब स्टोर की पोजीशन ये है कि पहले ये 220 पड़े हुए 25 वाले, फिर 100 और आगे 28 वाले, वहीं रहा करो यार, जहां लिखा है ना वहीं रहा करें, जब मैं बोलना शुरू करूं तो मेरी तरफ आ जाएगा। हाँ जी, 9 के बाद परचेज रिटर्न्स, अच्छा परचेज रिटर्न्स स्टोर से जा रही है कि स्टोर में आ रही है, परचेज रिटर्न्स
स्टोर से जा रही है, स्टोर से आउट हो रही है, परचेज रिटर्न जिससे खरीदा था उसको वापस करके आ रहे हैं। लेकिन ये लिखना इस सेक्शन में मुनासिब होता है ज्यादा, है वो आउट इशू लेकिन परचेज को कैंसिल करना है, इसलिए यहां लिखना मुनासिब होता है। कितने यूनिट्स? 20, तो वो हम यहीं पर एज अ नेगेटिव लिखेंगे। ये कौन से वाले हैं? अगर ये ना कहा होता ब्रैकेट में कि ये 2 अप्रैल वाले हैं, नहीं तो फिर आप ऐसा कर लेते कि जो सबसे आखिर में खरीदे थे वही वापस किए होंगे। इसका फाइफो से ताल्लुक नहीं। ये बात दोबारा सुनिए, ये जो रिटर्न किए हैं ना, ये रिटर्न के साथ बता दिया कि ये कौन से वाले हैं जो वापस किए हैं 2 अप्रैल। अगर ये बात ना की होती, कुछ ना बताया होता कि कौन से वाले में से वापस किए हैं, इस वक्त 3 तरह की चीजें लिखी हुई हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, या 2 हैं बस, और ये भी तो है ना, ये भी तो परसों तरसों खरीदा ही था कभी, तो वापसी इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है। अगर आपको नहीं बताया कि किसमें से है तो बस रीसेंट वाले में से ही होगी। ज्यादा चांस इसी के हैं कि जो अभी खरीदे थे वही खराब निकले तो वापस कर दिए, 25 दिन बाद पुराने वाले कहां वापस कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर आपको नहीं बताया कि परचेज रिटर्न्स कौन से वाले में से हैं, तो आखिरी वाले में से हैं। इसका फाइफो से ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही बस सवाल में डाटा नहीं दिया तो अज्यूम कर लिया, बस जबानी याद हो जाएगी बात, है ना, हो गया जबानी, कोई जरूरत नहीं लिखने की। फिर साइलेंट पे लग गया था। नहीं लेकिन ये सेट कैसे होगा? नहीं नहीं वो टारगेट चला गया ना, वो ठीक नहीं, ये तो रूम टेम्परेचर बता रहा होगा शायद। तो ये अभी इस सवाल में कौन से वाले हैं? ये 2 अप्रैल वाले। किस रेट पे वापस होंगे? क्यों? ये जो रिटर्न्स है ना, रिटर्न्स, ये उस सप्लायर को रिटर्न है, उसको हमारे मेथड से क्या लगे? उसने जितने की चीजें हमें बेची थी उतने ही की वापस लेगा। तो चूंकि ये 2 अप्रैल वाली है, इसका मतलब ये 25 रुपए वाली है। इस रिटर्न के ऊपर रेट यहां से नहीं देखना, ये जो वाली जो से जो ट्रांजेक्शन रिटर्न हो रही है इस पर वही वाला रेट लगेगा। ये 25 वाली है, 500 और ये वापस होने की वजह से ये 220 की बजाय 200 रह गए, और ये 100 है। लिखा तेज तेज करें भाई, नोटेड। आगे 15 तारीख को हो गई सेल्स, और कितनी हुई है? पहले ये 230 इसमें से, पहले ये 200 जाएंगे 25 वाले, और फिर 28 वाले, 840, तो बाकी रह गए 70, 28 वाले, 196।
उसके बाद 19th को ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स भी आउट हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आउट होगा तो वो फाइफो वाले रूल के तहत होगा। 19 तारीख को हो गई ड्राइंग्स, और चूंकि ये आउट है, अच्छा इसको परचेजेस में से भी लेस कर सकते हैं और यहां पर इशू भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। परचेजेस से लेस कर लो, कितने यूनिट्स? 40 हैं यही वाले, 1120, बाकी रह गए 30। ये सेल नहीं है ना, इशू लिखा हुआ, इशू लिखा हुआ, तो मैंने तो अकड़ पकड़ से फैसला किया, मेरे को इधर निकला था तो मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन ठीक है आप वहाँ परचेजिंग से भी नेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी, फिर उसको नेगेटिव कर दे। फिर 21 तारीख को सेल रिटर्न है, दो तरह की रिटर्न्स हुई हैं, जो 5 को चीजें बेची थी उनमें से भी वापस आई हैं, और जो 15 को बेची थी उनमें से भी वापस आई हैं, और अगर ना बताया होता किन में से आई हैं, तो जो आखिर में बेची थी उसी में से वापस आई होती। 5 को कौन सी बेची थी? ये बेची थी, कितनी वापस आई हैं? 60। तो 5 को तो ये 2 बेची थी, इनमें से कौन सी वापस में? क्यों? क्योंकि 5 है। सवाल मैं दोबारा कर रहा हूं, ये जो 60 यूनिट्स रिटर्न हुए हैं इनमें से, तो वो इनमें से किस में से हुए हैं? इसमें से किस में? अच्छा 200 में से, क्यों? क्योंकि 5 है। एवरेज कर ले, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि बंदे को किए हैं, जरूरी नहीं है। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्यों? टू एटी में से, और उसकी वजह भी सुने, कितनी बेची थी हमने? 480। 60 वापस हो गई, 480 बेच के 60 वापस होना ऐसे ही है जैसे हमने बेची ही कितनी? 420। देखें 480 बेची, 60 वापस आ गई, तो ऐसे ही है ना जैसे 420 बेची है, तो अगर आप 420 बेचते तो कैसे बेचते? 200 ये वाली, 220 इसमें से, यानी आप 200 ये करते और इसको 220 करते, है ना, तो इसलिए 60 इसी में वापस लेंगे। और एक और रीजन देख लें, जब सेल की थी, ये हाथ के इशारे से देखिएगा, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, जो इन दोनों में से ये सेल लिखी हुई है ना, तो रिटर्न है तो वापस हो गई, तो इसमें से वापस कर दें, तो 280 में से 60 वापस आ जाएंगे, यानी 25 वाले 60 वापस आएंगे, तो 25 वाले 60 वापस आ जाएंगे। अच्छा सेल रिटर्न कर रहे हैं हम, तो इस सेल वाले पोर्शन में नेगेटिव, और 10 वापस आ रहे हैं जो 15 को बेचे थे, ये इन, देखें जब हम बेच रहे हैं ना, तो सप्लाई, जब हम, ये सारे लोग सुने ये बात स्पेसिफिकली ना, आगे मैंने एक पास पेपर का सवाल कराना है, ये उसमें भी आ जाएगी दोबारा, ये बात ये उसमें दोबारा डिस्कस होगी। सवाल ये है कि अगर इनमें से कोई रेट सवाल वाला खुद बता देता कि इसमें से कौन सी है, तो ऐसा नहीं होगा। देखें जो परचेजेस होती है ना, परचेजेस
उसमें हमारा सप्लायर से जो रेट तय हो रहा है वो ये है, हम उसी को यहां लिख रहे हैं। परचेजेस में हम यहां कौन सा रेट लिख रहे हैं जो हमारा और सप्लायर के दरमियान है, तो रिटर्न भी उसी रेट पे ही लाजमी होनी है। इसलिए जरूरी होगा ये सवाल वाले को बताना कि वो कौन से रेट वाली है। ये जो सेल पे रेट लिखा हुआ है ये तो हमारी अपनी एक कैलकुलेशन है, कस्टमर से कौन सा रेट तय हो रहा है वो तो सेल प्राइस तय हो रही है, कस्टमर से सेल प्राइस तय हो रही है, उसको अगर वापस करना है तो वो उसी सेल प्राइस वाला वापस करना है। ये तो हमारी अपनी इंटरनल कैलकुलेशन है। कुछ समझ नहीं आया? जब हम सेल लिख रहे हैं ना तो ये वाली चीज हमारी अपनी इंटरनल है कि पहले ये वाले फिर ये वाले, इसका कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं। कस्टमर को नहीं हमने ये वाले रेट बताए हुए, यानी कस्टमर हमें ये नहीं कह रहा कि ये मैं वो चीजें वापस कर रहा हूं जो 22 वाली है। कस्टमर के साथ तो सेल प्राइस तय हुई है, उसको तो नहीं पता 22-25 क्या है, ये तो हमने अपने इंटरनल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे सेल की थी रिटर्न होगी तो उसको उल्टा चला लेंगे। तो इसलिए सवाल वाला ये नहीं बता सकता कि आपने जो सेल रिटर्न लेनी है वो ये 25 वाली लेनी है, वो तो मैक्सिमम रेट ही बताएगा। सेल रिटर्न के बाद बैलेंस क्या बन गया, तरतीब की तमीज रखनी है। ये पुराने वाले वापस आए हैं तो ये वापस पहले ऊपर जाएंगे, पहले 60 लिखेंगे, 25 वाले खत्म हो गए हुए थे ना, तो 60 वापस आए तो 25 वाले ऊपर आ गए, और ये 10 इन्हीं में से हैं तो ये 40 हो गए। सेल रिटर्न होके चीजें स्टोर में वापस आई हैं, है ना? क्या नहीं, हम ना परचेज रिटर्न्स को परचेज में से नेगेटिव लिख रहे हैं और सेल रिटर्न्स को सेल में से नेगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि सेल हुई थी तो रिटर्न हुई है, परचेज हुई थी तो रिटर्न हुई है, तो रिटर्न उसी के रिस्पेक्टिव में एज अ नेगेटिव आ रहा है। तो सेल रिटर्न स्टोर में से जो चीजें बिक गई थी वो वापस आई हैं, ये 25 वाली चीजें बिक के खत्म हो गई हुई थी, अब जब वो वापस आ गए हैं तो अपनी पुरानी जगह पे पहले उनको जगह मिलेगी, क्योंकि अब वो वापस आके स्टोर में अपनी पुरानी जगह ही पहुंचेंगी क्योंकि ये पुरानी थी, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। ये 28 वाले इनमें जुड़ेंगे आके, तो सेल रिटर्न के बाद स्टॉक की पोजीशन ये बन गई। चालीस कहां से आया, 60 कहां से आया, 60 कहां से आया? देखें ये जो 60 सेल रिटर्न क्या है, स्टोर में चीजें वापस आई हैं, स्टोर से गई हैं, स्टोर में वापस आई हैं, तो जब स्टोर में चीजें वापस आएंगी तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना, तो वो जो 60 यूनिट्स 25 वाले वापस आए हैं वो स्टोर में आ गए, और 28 वाले 30 पहले हुए थे, 28 वाले 10 और आ गए वापस, तो 40 बन गए। नहीं, ये 10 उन्हीं 28 वालों में से ही 10 हैं, ये देखें ये बिके थे ना उसी में से 10 वापस आए हैं, ये बिके थे यहां इतने रह गए थे उसी में से वापस आए हैं, तो वो वापस उनमें जाके शामिल हो गए, तो इसलिए वो 30 से 40 हो गए। ये क्या बना, 1500 डबल वन, क्या जी? हाँ, सेल रिटर्न, हाँ नहीं बना लेते हैं ना, बताएं कौन सी वाली में से कर लो, बताएं। यानी ये जो 60 इसमें से वापस आए हैं वो 10 बीसी में से आए होते, यानी 70 इसमें से आए होते, तो बस 70 25 वाले वापस ले लेते, फिर ये 10 अलग क्यों करते, फिर इसी में से 70 आ जाते। ये 28 होता और उसके बाद भी अभी 28 ही चल रहे होते तो बस फिर तो सब ऐड कर लेते, फिर तो ये 25 और 28 अलग अलग ही ना होते ना, फिर तो 28 ही चल रहे होते, फिर सारे उसमें ऐड हो जाते। रिटर्न सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न सामने है, ये सवाल असल में सेल रिटर्न परचेज रिटर्न के लिए कराया था, तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में से बताएं जो चीज पूछनी है। ओके, बस खत्म हो गया शायद कि नहीं? हाँ जी, उसके बाद क्या है, परचेज है, कब 27 को हो गई परचेज, 150 30 वाले, और स्टोर की पोजीशन ये बन गई कि 60 हैं 25 वाले, 40 हैं 28 वाले, और 150 हैं 30 वाले।
और उसके बाद फिर लग गई आग। कितनी ज़ाया हो गई? 10। तो वो आप चाहे इशू से निकाल दें, चाहे परचेज में नेगेटिव कर दें। ये 10 कौन से वाले होंगे? अरे फाइफो है भाई, जो भी आउट होगा वो फाइफो से होगा। चीजें जल के स्टोर से निकाल रहे हैं ना, गुड्स लॉस्ट हो गई बाय, तो आउट है ये। अब जब उन चीजों को दफना देंगे तो आउट ही हो गई ना। तो जब आउट है तो फाइफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो किनमें से? देखिए भाई, फाइफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए रिटर्न डिफरेंट चीज है। रिटर्न जो ट्रांजिशन हुई थी उसका रिवर्सल है, वो एक नॉर्मल आउट नहीं है। परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है? चीजें सप्लायर को वापस जा रही हैं। इसके लिए सिंपल आउट वाला असूल नहीं लग रहा। फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो परचेज रिटर्न है ना, फिजिकली ये आउट हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, लेकिन ये वो आउट वाले रूल वाला आउट नहीं है। ये रिटर्न्स हैं परचेज को कैंसिल करने के लिए। तो जिस रेट पे ओरिजिनली खरीदे गए थे ये उसी पे ही वापस होंगे। इसके अलावा जो भी आउट है वो फाइफो है, तो फाइफो वाला लगेगा। तो अब ये ड्राइंग्स आउट हो, चाहे सेल्स आउट हो, चाहे ये गुड्स का जाया होना आउट हो, फाइफो है। तो ये 10 किस में से है? इस 25 वाले है जी। कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, और क्या एग्जाम्पल। नहीं, आप इसको लिखने की बात कर रहे हैं, लिखना है तो यहां लिख ले, कोई बात नहीं। 10 यहां नेगेटिव लिख ले, रेट 25 वाला ही लेना है। बात हो रही है कि जो रिटर्न है उस पे फाइफो वाला रूल नहीं लग रहा। वो रिटर्न है जिस चीज को खरीदा था उसी को वापस करना है। उसके अलावा स्टोर से चाहे सेल्स के लिए चीजें आउट हो रही हैं, चाहे ड्राइंग के लिए हैं, चाहे गुड्स लॉस के लिए हैं, चाहे गरीबों में बांट रहे हैं, ये आउट हैं, उन पे फाइफो वाला असूल लगेगा। अब क्या बैलेंस रह गया? 50। ये अब ये पीरियड एंड की पोजीशन है, 240 6 8 6 8 7 0। अब ये पीरियोडिक से डिफरेंट आ गया इस पुरानी चीज की रिटर्न की वजह से। तो फाइफो में पीरियोडिक और परपेचुअल लाजमी नहीं के बराबर ही आएगा। ये देख लीजिए डिफरेंट आ गया, पीरियोडिक में कुछ और अंतर था जी। जैसे देखें, ऐसा कहना चाहिए नहीं। किसी सवाल में देखा है इस इंट्रो में कहीं आपने देखा हुआ है? क्योंकि ड्राइंग्स में एक दफा इंट्रो में हुआ था, इसका ये इंट्रो की एक अटेम्प्ट थी, उसमें ड्राइंग्स एक ही सवाल था, उसमें उसने ड्राइंग्स के बारे में बता दिया था कि कौन से वाली में से आपने ड्राइंग्स लेनी है। तो उसने कह दिया तो मजबूरन फिर वही रेट लेना पड़ेगा। तो अगर वो कह रहा है कि आपने वही वाला रेट लेना है तो फिर ठीक है, वही वाला रेट ले लेंगे। अदरवाइज परचेज रिटर्न्स के अलावा जो भी आउट्स हैं उन पर फाइफो का रूल लग रहा है। हाँ जी, इसका वेटेड एवरेज परपेचुअल आपका होमवर्क। और ये एंट्री कार्ड बस बहुत है, कल मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करा के फिर एनआरबी पे जाऊंगा। इसका परपेचुअल वेटेड एवरेज करके आइएगा जी। इसमें क्यों आ गया? क्योंकि पीरियोडिक में ना हमने लिए ही सिर्फ आखिरी वाले थे, जबकि जब रोज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते गए तो देख लें बीच में पुराना वाला भी आ गया हुआ है। ये 25 वाला भी एक बीच में आ गया, इसकी वजह से फर्क आ गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।